नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उस बड़े नेता की, उस बड़े चेहरे की जो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति करते हुए कई बार आपको नज़र आए होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत जी की। हरीश रावत वो चेहरा जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी कांग्रेस के बड़े चेहरा हुआ करते थे और राज्य बनने के बाद से ही उनकी छवि एक बड़े नेता के तौर पर उत्तराखंड में देखने को मिली। आखिरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत कौन सी उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, इस पर नज़रें ना केवल कांग्रेस के नेताओं की है बल्कि बीजेपी के भी नेता चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि हरीश रावत कौन सी विधानसभा से 2022 में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन दिनों ये बातें भी खूब चर्चाओं में आ रही है कि डीडी हाट विधानसभा सीट से हरीश रावत 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरकार डीडी हाट सीट ही क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। डीडी हाट से जो भी प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी डीडी हाट विधानसभा सीट से आवेदन कर रहे हैं, उनकी सहमति बनी है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत डीडी हाट से चुनाव लड़ते हैं तो वो सभी प्रत्याशी या सभी उम्मीदवार एकजुट होकर उनको सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं पिछले 25 सालों से डीडी हाट की जो सीट है वो भाजपा के कब्जे से कांग्रेस को दिलाएंगे। लेकिन क्या हरीश रावत डीडी हाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर ये बातें केवल अफवाहें हैं? चलिए हम पीछे आपको ले चलते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव पर। ये चुनाव इसलिए हम आपको ले जा रहे हैं क्योंकि 2017 में हरीश रावत दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, जो कि एक कुमाऊं मंडल की सीट थी और दूसरी गढ़वाल मंडल की सीट थी, यानी कि एक थी हरिद्वार ग्रामीण और दूसरी थी किच्छा विधानसभा। दोनों ही सीट से हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा था और जिसके बाद हरीश रावत ये मानते भी हैं कि जो उनका फैसला था दो विधानसभाओं से चुनाव लड़ने का, वो एक गलत फैसला था। लेकिन क्या 2017 में जो गलती हरीश रावत ने की वो गलती वो फिर दोहराएंगे? ये हम आपको इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि 2017 में भी हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर, अपने नेताओं के कहने पर उन सीटों का चयन किया था और उन सीटों पर वो चुनाव केवल अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के आधार पर लड़े थे। तो क्या डीडी हाट सीट पर भी इस बार हरीश रावत केवल उन नेताओं के, उन उम्मीदवारों के कहने पर चुनाव लड़ेंगे या फिर इसके पीछे की गणित भी कुछ और है? जी हाँ, गणित इसलिए क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हरीश रावत जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो किसी को बताते नहीं। तो इन दिनों जो डीडी हाट सीट की चर्चाएं चल रही हैं तो ये साफ है कि इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है। पिछले दिनों ये भी चर्चाएं आई थी कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और वो इस सीट से इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि उनकी पैतृक यानी कि उनकी गाँव की सीट थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सीट पर कब्जा किसका है? ये सीट पिछले 25 सालों से भाजपा के कब्जे में है और वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं बिशन सिंह चौहान, जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और पिछले 25 सालों से डीडी हाट सीट के विधायक भी हैं। तो क्या इस सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या बिशन सिंह चौहान को हरीश रावत हरा कर विधानसभा पहुँच पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत 2017 वाली गलती फिर दोहराएंगे या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि हरीश रावत के जो करीबी हैं या फिर जो उनके पारिवारिक हैं, लोग हैं, वो हरिद्वार से पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी अपने लिए नहीं बल्कि हरीश रावत के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हरीश रावत हरिद्वार से ही चुनाव लड़ें और हरिद्वार से इसलिए
क्योंकि हरीश रावत हरिद्वार से पहले चुनाव जीत चुके हैं, वो है लोकसभा का चुनाव, और इसी वजह से वो हरिद्वार से हरीश रावत के लिए तैयारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि हरीश रावत के दोनों बेटे आनंद रावत और वीरेंद्र रावत डीडी हार्ट सीट में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। आखिरकार उनकी सक्रियता क्यों है? या वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर हरीश रावत को वो डीडी हार्ट से भी लड़ाना चाहते हैं? ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल बनकर सामने आता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि क्या हरीश रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में डीडी हार्ट से चुनाव लड़ेंगे, वो फिर वो गलतियां दोहराएंगे जो उन्होंने 2017 में दोहराई थी, या फिर हरीश रावत 2022 के लिए कोई नई गणित बना रहे हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं जो अभी तक किसी के समझ नहीं आया? ऐसे ही और भी कहीं जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़िए रहिए। नमस्कार।